सर मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा, ये कैसे हुआ, आपका ये मकान कैसे गिरा? ये तूफान की वजह से, डबल स्टोरी कर रहा था। ये जो PMGSY के तहत जो मकान के लिए पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट, तो ये पैसा मिला था, ये किस्त पड़ी थी अभी खाते में, तो डबल स्टोरी कर रहा था मैं ऊपर, तो अभी दूसरी किस्त डलवानी थी, तो तूफान आने की वजह से ये पूरा गिर चुका है। लकड़ी जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, टीन जो है वो टूट चुकी है, दीवारें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी लगाई, लकड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है जी। कितना खर्चा हुआ इस वक्त तक? सर खर्चा तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब करीब हो चुका है। एक किस्त पड़ी थी 50,000 की, उसके अलावा तकरीबन कोई 70-75 हज़ार रुपया अपना खुद लगा चुका हूँ। इसके बाद आप प्रशासन से क्या डिमांड करते हो? सर प्रशासन से तो यही डिमांड रखते हैं कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो दोबारा ये मकान बना सकता हूँ, नहीं तो ये मकान नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि गरीब आदमी हूँ। पहले ही बड़ी मुश्किल से ना तो लकड़ी मिलती थी, बड़ी मुश्किल से लकड़ी इकट्ठी की है, फिर वो भी तूफान आने की वजह से टूट चुकी है, तो दोबारा मैं बना नहीं सकता हूँ। तो यही, आपके पास कोई प्रशासन का कोई पटवारी या कोई और महकमे कोई आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ करवाई, थाने में करवाई, अभी तहसीलदार साहब के पास भी जाना है, थाने में करवाई है जी। ठीक।